मध्य प्रदेश के ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे नेपाल के पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र पासवान ने पीएम मोदी से देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की है। बता दें कि ओबीसी महासभा के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नेपाल के पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र पासवान ने जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि संविधान तैयार होने से पहले भी सामाजिक न्याय की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने की है, इसलिए हम सभी राजनीतिक दलों से यह मांग करते हैं जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। इसके अलावा फरवरी में नेपाल के काठमांडू में होने जा रहे सार्क देशों के सम्मेलन में कई प्रतिनिधि आएंगे और सभी एक सुर में भारत में जातिगत जनगणना की मांग उठाएंगे। इसी कड़ी में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को भी समानता के साथ जीने का पूर्ण अधिकार है। हिंदू एक जात नहीं है, एक संस्कार है, इसलिए संस्कारों को सम्मान मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सार्क राष्ट्र की और एशिया का जो एजेंडा है, जो दक्षिण भारत से ये उभर के आया माननीय कांशीराम साहब और शरद यादव जी ने जिस मुद्दा को आगे बढ़ाए थे, तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा सही मुद्दा है, सही समय का मुद्दा है और सुंदर भारत के लिए ये मुद्दा है और सुंदर सार्क राष्ट्र के लिए मुद्दा है और ये मुद्दा एशिया और विश्व के लिए है, विश्व शांति के लिए है। तो इस मुद्दा को सम्मानपूर्वक ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए, लेना चाहिए और मेरा ये निवेदन है भारत और भारत के सरकारों से, भारत के राजनीतिक दलों से कि इस पे उसको संज्ञान लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? जाति जनसंख्या सामाजिक न्याय की जो मुद्दा है, प्रतिनिधित्व का जो सवाल है, इसको लेके जानना चाहिए क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी दिनों से हमारे संज्ञान में है और हम इस मुद्दा को लेकर चल रहे हैं।